आकाश ताराचंद गौड़ की हाल ही में जेल में मृत्यु हुई थी, लेकिन मृतक आकाश के परिवार वालों द्वारा कहा जा रहा है कि आकाश की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई, जेलर के पीटने से हुई है। ऐसे आरोप मृतक के पिता ताराचंद गौड़ ने पत्रकार परिषद में लगाए हैं। मृतक के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। मिली जानकारी के अनुसार आकाश का जेल में पीने के पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे एक रूम में बंद कर जेल के जेलर द्वारा मारपीट की गई, जिसके निशान मृतक के शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे। इस मारपीट से ही आकाश की मृत्यु हुई है, ऐसा आरोप मृतक आकाश के पिता ताराचंद गौड़ द्वारा किए गए है। पास रिजेक्ट बेल रखी थी ताकि यह तुरंत में डाल न दे। उसके बाद में मैंने वकील करके उसको अपील करने के लिए कहा हाई कोर्ट में डालने के लिए, तो हमारा प्रोसेस चालू ही था। तो अभी ही मैं हर सोमवार को मेरे बच्चे से जेल में मिलने के लिए जाता था। 9 तारीख को जेल में मैं बच्चे से मिलने के लिए गया, तो मेरे बच्चे ने बोला है पानी के लिए मेरा एक कैदी के साथ में दो बातें हो गई बोले, तो जज जेलर ने बोले मेरे को 10x10 के एक रूम में बंद कर दिया है और बंद करके मेरे को बहुत मारा है। मेरा कैसे भी करो, आप कुछ भी करो, मेरा अभी बोले इमरजेंसी बेल्ट डालो, कोर्ट की छुट्टी लग गई थी तो बोले मेरी इमरजेंसी बेल्ट डालो और मेरे को भले ही एक महीने के लिए निकालो, लेकिन मेरे को निकालो। तुरंत मैंने वकील से बात किया, वकील से बात करने के बाद वकील ने बोला ठीक है मैं सोमवार को बेल्ट डाल रहा हूँ। और शुक्रवार को मेरे लड़के को बहुत मारा, मेरे लड़के के साथ में एक लड़का और है, उसका मैं नाम नहीं शो करना चाहता, उसको भी साथ में मारा और उसी की आंखों के सामने मेरे बच्चे को जेलर ने मार डाला। दोनों को अलग रूम में लेकर गए, 5 लोगों को अंदर अलग रूम में रखा था, 5 लोगों में से ये 2 लोगों को अलग रूम में लेके गए और वहाँ इनको दोनों को नंगा करके मारा और मेरे बच्चे को पीठ के ऊपर में सर के ऊपर में बेल्ट मारा और उससे वो मेरा लड़का जगह पे ख़त्म हो गया। वो लड़का दूसरी तरफ वहाँ पे पड़ा था कि मेरे मैंने नहीं देखा है, मगर मैंने जब वो थी मैं तो मेरा मैं बयान क्यों नहीं लिया उसने पुलिस वालों ने? किसी पुलिस वालों ने चश्मदीद गवाह दी है जिसका कोई बयान नहीं लिया, क्यों नहीं पूछा? और जब वो लड़का मेडिकल लेके गया है, वो लड़के के घर से लेके आया है, वो लड़के को मेडिकल तक रहा है मेरा लड़का, वो मरने तक रहा है। उसने उसने बोला वो लड़के ने तू भी भाग जा, मैं तो भाग गया वहाँ से उसको बॉडी को छोड़ के। तो हमने उसको बोला तेरा दोस्त था, बॉडी को तू काहे के लिए छोड़ के भागेगा, अगर वो मारता तो काहे के लिए रहता था वहाँ पे, वो भी भाग सकता था। मेरे लड़के ने उसका इलाज कराया है मेडिकल में, और यहाँ से वहाँ तक कैमरे रिपोर्ट होंगे ना, वो दिखेगा नहीं क्या? मैंने मेरे घर की गाड़ी दी है उनको दवाखाने ले जाने के लिए वो लड़के को। ये सब होता मेरा लड़का करता तो मैं काहे के लिए अपने लड़के को फंसाती? पूरा गुने इस पत्र परिषद के दौरान मृतक के पिता ने न्याय की गुहार करते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की है। पत्रकार परिषद में मृतक के माता पिता के साथ साथ रिश्तेदार भी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।